ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यस्टरडे यू नो दैट वी हैड स्टार्टेड विद द आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजों के दरमियान बनता है बेटा। द फर्स्ट थिंग दैट इज द मैटर, वालेकुम अस्सलाम बेटा, एंड द सेकंड थिंग दैट इज द नॉन मैटर। ठीक है जी, तो मैटर और नॉन मैटर इन दोनों के दरमियान जो है हमेशा याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड बनता है। और मैटर कहाँ से बिलोंग करनी चाहिए, मैंने आपको कल बताया था कि ग्रुप वन और ग्रुप टू की सारी मैटर्स या वो मैटर्स जिनके ऊपर प्लस वन या प्लस टू चार्ज होता है जी। और नॉन मैटर्स कहाँ से बिलोंग करती है, ग्रुप फाइव सिक्स या सेवन की, या जिनके ऊपर -3 -2 और -1 चार्ज जो है वो होता है। ठीक है बच्चों, चलिए जी अब इसकी डिटेल में हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहली चीज मेटल्स, मेटल्स जो हैं दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, तो मेटल्स जो है दे हैव द टेंडेंसी, हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई चीज इलेक्ट्रॉन को लूज करती है मेरे बच्चों, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को हम लोग पॉजिटिव आयन या कैटायन का नाम देते हैं जी। तो कैटायन बन जाता है आपका। ठीक है, इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होती हैं दे हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज किए हैं वही इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेते हैं, यानी दूसरे वर्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जी। यानी मेटल से नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड टेक प्लेस। ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन जब गेन हो जाते हैं तो ऐसी चीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, और नेगेटिव चार्ज वाली चीज को हम लोग नेगेटिव आयन या एनायन का नाम देते हैं। तो नेगेटिव आयन या एनायन बन जाता है आपका। ठीक है जी, अब ये जो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव आयन बन गए हैं मेरे बच्चों, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम तुम लोगों ने याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मेरे बच्चों, इसी चीज को हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बॉन्ड जो वर्ड होता है, बॉन्ड वर्ड का मतलब ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि इसकी फिर डेफिनेशन क्या बनेगी, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन होगी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन ओपोजिटली चार्ज्ड आयंस। ये जो पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, तो इनको ऑपोजिट आयन कहते हैं जी। बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस व्हेन देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम
फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, ओके। So the electrostatic forces of attractions between oppositely charged ions, oppositely charged mean positive and negative ion, when there is a complete transfer of electron from metals to non-metals, इसको मेरे बच्चों हम कहते हैं is called ionic bond, ठीक है बच्चों? कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब है कि भाई इसने हमेशा के लिए उसको दे दी है, ये नहीं कि उसको दे के बाद में देगा वापस करे मेरे इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स जो है वो क्या होती है, वो हम लोग एक एक करके जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे बच्चों। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज पहले बता दूं। एक चीज होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है अगर ये किसी मेटल के साथ मिल जाए, ठीक है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनाती है और इसके ऊपर चार्ज -1 होता है H के ऊपर, ये ज़हन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। तो जब भी कोई मेटल किसी भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगी तो आयनिक बॉन्ड बनाएगी, और अगर हाइड्रोजन जो है ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ जाए, नॉन मेटल, तो उसके रिजल्ट में कोवलेंट बॉन्ड बनता है जी, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हेनेवर द मेटल हाइड्रोजन कंबाइंड विद मेटल, ठीक है जी, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जब ये नॉन मेटल से जुड़ती है तो इसके ऊपर नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज जो है वो होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और यहां पर अगली चीज मैं एक और बता रहा हूं, सपोज करें यहां पे मैं एलिमेंट ले रहा हूं जी सोडियम ऑक्साइड, ठीक है जी, सोडियम ऑक्साइड। अब इसकी मैं कहता हूं कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। अब यहां पे दो मिनट के लिए देख लें, क्योंकि हम लोग ये पहली डायग्राम कर रहे हैं, तो यू पीपल शुड नो द रूल। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो होती है वो इस तरीके से, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की इस तरह भी बनी होती है, और इस तरह करके जो है वो बनी होती है, तो ये शेयरिंग होती है। तो जब कोई चीज लिखी होती है तो स्टूडेंट दे गेट कंफ्यूज्ड कि हम लोग ये शेयरिंग की फॉर्म में बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, अक्सर स्टूडेंट्स इसी पे कंफ्यूज होते हैं, और उसका मैं आपको सबसे बेस्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक है जी, कि आप लोगों ने इसको कैसे सोच के करना है। सबसे पहली चीज, आप लोग पीरियोडिक टेबल आपको पेपर में गिवन होता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में चेक करें कि सोडियम कहां पे है, ठीक है जी। पीरियोडिक टेबल में सोडियम जो है ये ग्रुप वन में जो है वो लिखा होता है, तो सोडियम ये इसका सिंबल होता है जी Na, और ये ग्रुप वन में होता है। पहले हम इसका ग्रुप बना लेते हैं, ये ग्रुप वन में होता है, इसका सिंबल सोडियम होता है, और ग्रुप वन पे मैंने चार्ज बताया था +1 होता है, ये तुम लोगों ने याद रखना है। उसके बाद ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन को कहते हैं, ठीक है जी, ये जो है ये ग्रुप सिक्स में होता है, आप लोग पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो ग्रुप सिक्स के अंदर ये आता है, और इसका साइन जो है वो ओ, और ग्रुप सिक्स पे चार्ज -2 होता है। अब यहां पे चेक कर लें कि ग्रुप वन और ग्रुप सिक्स के दरमियान हमेशा आयनिक बॉन्ड बनता है, तो ये आयनिक बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, आयंस की फॉर्म में आप लोगों ने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना दिए है। तो यहां से कंफ्यूजन खत्म हो जाती है ग्रुप वन और टू का, अगर ग्रुप फाइव सिक्स सेवन में से कोई भी आ जाए तो वो आपस में मिलके हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाली डायग्राम बनाओगे, ठीक है।
अच्छा जी, अब इसकी हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं। किसी भी चीज का फॉर्मूला बनाना हो तो Na+1O-2, ये है। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है उसका? ये देखिए जी, जब भी किसी चीज के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हो तो पॉजिटिव का और नेगेटिव का साइन कैंसिल कर देते हैं। अगर इसके साथ टू और इसके साथ भी टू लिखा होता, सपोज करो सेम यहां पे भी टू लिखा होता, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, यहां पे भी लिखा होता जी टू, तो भाई ये टू है, ये टू है, ये भी कट हो जाना था, इसका फॉर्मूला बन जाना था NaO। मेरी बात समझ लगी है? लेकिन यहां पे भाई ये दो डिफरेंट चीजें लिखी हुई है, Na+1 और O-2, तो प्लस माइनस कट गया। अब ये डिफरेंट है, जब डिफरेंट होंगे तो इसके ऊपर लिखी हुई चीज को इसके नीचे लिख दो, तो ये Na2 लिख दो और ये O लिख के ये 1 इसके नीचे लिख दो। 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको काट दो तो Na2O इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब है कि सोडियम ऑक्साइड में सोडियम के दो और ऑक्सीजन का एक एटम होता है, ये तुम लोगों ने जेहन में रखना है। तो हम लोग यहां पे बना लेते हैं सोडियम के दो और ऑक्सीजन का एक। अब पीरियोडिक टेबल से तुम लोगों ने प्रोटॉन नंबर लिखना है, पेपर में पीरियोडिक टेबल तुम्हें गिवन होता है, ठीक है? तो वहां पे पीरियोडिक टेबल में देखो, सोडियम सोडियम के साथ लिखा होता है 11 और 23, ऑक्सीजन के साथ लिखा होता है 8 और 16। तो कोई मुझे बताएगा कि सोडियम का प्रोटॉन नंबर क्या है? 11 11 छोटा नंबर, प्रोटॉन नंबर होता है जी, तो 11, इसका भी 11, इसका 8 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन बनाएं 2 8 1, इसकी भी बनाएं 2 8 1, ठीक है जी, दोनों की बन गई। और ऑक्सीजन की क्या बनेगी? 2 और 6। यहां तक समझ लगी है? अब भाई ये इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर +1 चार्ज आता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7, सोच लो ध्यान में। उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन भी इधर दे देगा, तो कितने हो गए? 8। अब तुमने इसी चीज को ड्रॉ कर देना, इसको रख कर दो। अच्छा जी, अब तुम लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे मेरे बच्चों? ये देख लो तरीका, ये देखिए जी, सोडियम लिख के इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ये पेयर बना देना डॉट से। उसके बाद दूसरा शेल, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बना दो पेयर की फॉर्म में, ये इस तरह करके, ठीक है? ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो निकल चुका है, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा, समझ लगी है? और यहां पे तुम्हारे पास 2 सोडियम है, तो इसको × 2 कर दो, बीच में डॉट डालो, फिर ये ओ है, तो ओ को लिख के इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसके डॉट वाले बनाए हैं, तो इसके क्रॉस वाले बना दो। और फिर दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 6 क्रॉसेस बना दो। और 2 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से गेन किए थे, सोडियम के इलेक्ट्रॉन डॉट वाले थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह बना दो और इसके ऊपर चार्ज आ गया -2। और यहां पे तुम लोगों ने 7 बना देनी है कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट से और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो हो रहा है। तो मेरे बच्चों, ये जो है ये आपकी डायग्राम बन गई, ये जितना भी मैंने समझाया है दिस इज एक्चुअली द रफ, ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि ये बनाते कैसे। समझ लगी है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? जी सर, सर, जी जी बोलो बेटा, सर ये प्लस पहले लिख सकते हैं और 1 बाद में? बेहतर, ये बेस्ट तरीका होता है लिखने का। मुझे उल्टी आदत पड़ी हुई है वो लिखने की, -2, मैं पहले माइनस लिखता हूँ फिर 2 लिखता हूँ, वो गलत है असल में। यानी मेरे लिखने का तरीका जो मैं पहले लिखता रहा हूँ ना, वो रॉन्ग है, मुझे बहुत बुरी आदत पड़ी हुई। आज मुझे अचानक याद आ गया कि ये मैं गलती करता हूँ, मैंने जानबूझ के फिर वो उसको याद रख के जो है ना, ये मैंने सही लिख दिया है, अदरवाइज मैं इस तरह ही लिखता हूँ। ये देखें, मेरी आदत है इस तरह लिखने की, ये +1 इस तरह करके। सर, तो ये एक ही बात होती है, इसमें क्या चेंज एक होता है? बात होती बेटा, ये बहुत इफेक्ट होता है, ये मुझे बहुत बुरी आदत है, मैं बता रहा हूं, मैं इस तरह ही लिखता हूं,
ये गलत है तरीका, जो मैं बता रहा हूं तुम्हें वो सही है। ये इस तरह लिखो, टू माइनस, ये इस तरह वन प्लस, इस तरह लिखते हैं, दिस इज द करेक्ट मेथड। ठीक है जी। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स दे रहा हूं, और हर एक ने उसकी ट्राई करनी है। उनके ग्रुप नंबर मैं यहां पे लिख दूंगा, प्रोटॉन नंबर वगैरह, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी। चलिए जी, सबसे पहला मैग्नीशियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम हाइड्राइड, ठीक है जी, और एक बना दो NaCl। मैं यहां पे लिख देता हूं, Mg का लिखा होता है 12 और 24 पीरियोडिक टेबल में, O का लिखा होता है 8 और 16, उसके बाद Cl का लिखा होता है 17 और 35.5, और उसके बाद H के साथ लिखा होता है 1 1, ठीक है जी, और सोडियम के साथ लिखा होता है 11 और 23। चलिए जी, इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी शुरू करते हैं। आप लोगों को मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 10 मिनट में आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। और दूसरी चीज, अगर किसी को नहीं समझ लगती तो भाई डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, कोई शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे 10 बार पूछो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। ओके, सो यू पीपल हैव टू चेक देम। द फर्स्ट थिंग इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ग्रुप टू, सो ऑक्सीजन ग्रुप सिक्स, सो ग्रुप टू एंड सिक्स दे ऑलवेज फॉर्म द आयनिक बॉन्ड। ओके, सो मैग्नीशियम इट गॉट द प्रोटॉन नंबर 12, ऑक्सीजन गॉट द प्रोटॉन नंबर 8, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2A2 एंड दिस इज 2 6। ओके, सो दिस इज गोइंग टू गिव इट्स 2 इलेक्ट्रॉन अप हियर। ओके, सो वी शुड ड्रॉ दिस वन फर्स्ट ऑफ ऑल, Mg, द फर्स्ट शेल हैज गॉट 2 इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड शेल हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स लाइक दैट। ओके, एंड इट हैज गॉट द चार्ज 2 पॉजिटिव एंड देन O। सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शुड मेक इट क्रॉस, यू कैन गेट इट डॉट एंड मेक दिस वन क्रॉस, दैट्स योर चॉइस। ओके, सो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन 2 इन द फर्स्ट वन, 6 इन द सेकेंड वन, एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन फ्रॉम हियर, सो दे आर क्रॉसेस एंड दिस इज माई डियर 2 माइनस। ओके, सो दिस वन हैज डन, सो एवरीबडी एंड जस्ट ड्रॉ द की अप हियर, द मैग्नीशियम क्रॉस एंड द ऑक्सीजन दैट इज डॉट, सो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ओके, सो यू शुड हैव मैग्नीशियम व्हिच इज 12, Cl दे आर 2, सो दिस इज 17, दिस इज 17, सो दिस इज 2 8 2 एंड दिस इज 2 8 7, 2 8 7। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन वुड बी गिवन अप हियर एंड 1 वुड बी गिवन अप हियर। ओके, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, सो इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ दिस वन, सो हाउ यू शुड ड्रॉ इट माई डियर, आई एम गोइंग टू मेक चेंज दिस वन, सो दिस इज क्लोरीन। ओके, द फर्स्ट मैग्नीशियम इज सेम, 2 एंड 8, 2 and 8 and lost 2 इलेक्ट्रॉन, सो +2 चार्ज, सो क्लोरीन 2 8, सो दीज आर 6 7 8, द थर्ड शेल गॉट 7 इलेक्ट्रॉन, सो 2 4 6 and 7 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन फ्रॉम हेयर, सो यू शुड राइट इट लाइक दैट एंड राइट 1 माइनस एंड यू गॉट 2 क्लोरीन, सो राइट 2 अप हेयर। ओके, एंड ड्रॉ द की एज वेल। Everyone got it, beta? यस सर, यस सर। ओके, द नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्राइड। ओके, सो इन द मैग्नीशियम हाइड्राइड व्हाट शुड यू डू? सो मैग्नीशियम हाइड्राइड, सो मैग्नीशियम ग्रुप टू थिंग्स दे आर मेटल,
आई टोल्ड यू व्हेन हाइड्रोजन ज्वाइन विद द मेटल इट इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म द आयनिक बॉन्ड. ओके सो मैग्नीशियम ग्रुप टू हाइड्रोजन दैट इज फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड. सो ड्रॉ द हाइड्रोजन टू टाइम्स इट्स प्रोटॉन नंबर इज वन. ओके सो वन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज वन इलेक्ट्रॉन. सो द फर्स्ट शेल कंटेन ओनली दानियल काशिप. इसके रिकॉर्डिंग फिर तुम्हें मिल जाएंगे अकेडमी से, कौन से ले लेना. ओके अच्छा जी सो टू इलेक्ट्रॉन सो वन इलेक्ट्रॉन इज गिवन अप हियर एंड वन इज गिवन अप हियर बिकॉज The first shell need only two electron. Okay, so magnesium is this one. Okay, so this is magnesium and this is hydrogen. So hydrogen. जी. मुश्किल क्लास कर रही है. जी जी. मैंने सामने आपने करना तो मैं ज़्यादा इसी क्लास में होगी. सामने वाली है बच्चे. ना बहुत ही. Okay, so hydrogen got one electron and one electron has been gained by the magnesium. So this is my dear minus one and it is two times. Okay. So this is magnesium hydride. Hydrogen needs only one electron to get the stable electronic configuration. Okay. The next thing that is sodium chloride. So sodium chloride. Sodium belong from group one. Chlorine belong from group seven. So group one and seven they form the ionic bond. Okay. So sodium. Its proton number is 11, chlorine 17, so this is 281 and this is 287. So this is going to give its electron up here. So you should draw the sodium. Okay, the first shell contain 2 electrons, the second shell contain 8 electrons like that. Okay, and this is having the positive 1 charge and this is chlorine, my dear. So chlorine, it is having the 2 electrons in the first shell, the 8 electrons in the second shell and 7 electrons in the third shell. So one of the electron is gained from here. So this is dot. So this is my dear minus 1. They can be mujhe wahi yaad padega.